शहर सौ खबर रफ्तार के साथ। आज केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून, 11 जून को महाराष्ट्र और तेलंगाना में हो सकती है एंट्री, 12 जून को ओडिशा और बंगाल में पहुंचने की उम्मीद। पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी के भारत लाने पर फैसला, भारत भेजने के पक्ष में डोमिनिका सरकार, डोमिनिका कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में, 24 घंटे में करीब 1,33,000 नए केस, 3,207 लोगों की हुई मौत, एक्टिव केस की संख्या 18 लाख के नीचे। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 576 नए केस आए सामने, 103 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 1,278 मरीज हुए रिकवर, पॉजिटिविटी रेट 0.78 पहुंचा। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक के जल्द भारत में आने पर रास्ता हुआ साफ, डीसीजीआई ने विदेशी वैक्सीन को लेकर किया नया आदेश जारी। जांच सर्टिफिकेट के साथ आने वालों को वैक्सीन को नहीं जांचा जाएगा, विदेशी सर्टिफिकेट के साथ सीधे बाजार में आ सकेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र पर ममता बरसी, कहा कि दिसंबर से पहले सभी नागरिकों का टीकाकरण सिर्फ एक धोखा है, केंद्र पर लगाया गलत बयान देने का आरोप। ममता बनर्जी ने कहा केंद्र राज्यों को नहीं दे रहा वैक्सीन, केंद्र को चाहिए कि वो कंपनियों से वैक्सीन खरीद कर राज्यों को मुफ्त में दे। वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, कहा केंद्र और राज्य वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में जानकारी दे, 18 प्लस वालों की वैक्सीनेशन पर मांगी रिपोर्ट। यूपी उत्तराखंड में कोरोना के ग्राफ पर लग रहा है ब्रेक, यूपी में सामने आए 1,514 नए मरीज, उत्तराखंड में मिले 1,003 मरीज, दोनों राज्यों में बीते 24 घंटे में 145 मरीजों की मौत। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जरूरी होगी 72 घंटे पहले कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट, एक बार में गर्भगृह में केवल 5 लोगों को मिलेगी एंट्री। नोएडा में पुलिस वालों के परिजनों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर शुरू, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने किया सेंटर का निरीक्षण। एमपी छत्तीसगढ़ में धीमी पड़ी संक्रमण की रफ्तार, एमपी में 24 घंटे में मिले 991 नए मरीज, छत्तीसगढ़ में मिले 1,792 नए मरीज। फ्री वैक्सीन के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस का स्पीकअप कैंपेन, केंद्र के लिए नई वैक्सीनेशन पॉलिसी की मांग। बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ेंगी, एलोपैथी पर दिए विवादित बयान को लेकर बिलासपुर कोर्ट में याचिका, 7 जून को होगी अगली सुनवाई। कोरोना संक्रमण के बाद दुनिया भर में बैकफुट पर आया चीन, शी जिनपिंग ने सरकारी मीडिया और राजनयिकों की से कहा कि आक्रामक रूप में लाइन रख। बिहार में आज से दूर हो जाएगा वैक्सीनेशन का टोटा, सीएम नीतीश कुमार दिखाएंगे टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी, 18 से 45 साल के लोगों को मिली वैक्सीन की 5 लाख डोज। बिहार वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म, अंधविश्वास के कारण कई लोग नहीं करवा रहे टीकाकरण, तो 18 प्लस वालों के लिए अभी भी टीके का नहीं है इंतजाम, स्वास्थ्य मंत्री के दावों के सामने आई सच्चाई। बिहार में कम हो रहा है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 1,158 नए केस, 37 जिलों में 100 से भी कम मरीज, 8 जिलों में आंकड़ा दहाई से भी कम। मुजफ्फरपुर में बच्ची की मौत के बाद उठे कई सवाल, गले में फंसा था लीची का बीज, डॉक्टर्स पर कोरोना टेस्ट कराकर समय बर्बाद करने का आरोप, डॉक्टर के खिलाफ लोगों में गुस्सा। सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने भी करवाया वैक्सीनेशन, सभी लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील। झारखंड में सरकार ने सभी के वैक्सीनेशन के लिए कटिबद्ध, बोले अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार, कहा कि 250 करोड़ रुपए कराए जा चुके हैं मुहैया, वैक्सीन निर्माता कंपनियों को दिए जा चुके हैं 47 करोड़। झारखंड में तेजी से कम हो रहे कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में मिले सिर्फ 609 पॉजिटिव केस, रांची में 72 नए केस आए सामने, सूबे में अब तक 9 लोगों की मौत। झारखंड में ब्लैक फंगस से 2 और मरीजों की हुई मौत, सूबे में 39 कन्फर्म मरीज, 47 संदिग्ध मरीज, अब तक 12 लोगों की जा चुकी है जान। मुजफ्फरपुर के बरुराज के फुलवरिया चौक पर 2 गुटों में भिड़ंत हो गई, इस दौरान कई लोग जख्मी हो गए, मौके पर काफी भीड़ देखी गई, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी की गई। लखीसराय में लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने को लेकर सड़क पर उतरे डीएम, लोगों को दिए नियमों की जानकारी, वहीं बेवजह घूम रहे लोगों से करवाई उठक बैठक। बघा के कोविड केयर सेंटर में एक भी मरीज नहीं हुआ कल एडमिट, हॉस्पिटल में अब मात्र कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या हुई, अनुमंडलीय अस्पताल में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर हुआ तैयार। सासाराम में लॉकडाउन को लेकर पूरी तरह से पुलिस हुई मुस्तैद, एसपी ने लिया बाजारों का जायजा, लोगों से की लॉकडाउन का पालन करने की अपील, वहीं कई दुकानदारों वाहन चालकों पर भी की कार्रवाई। लॉकडाउन में नियमों के साथ दुकान खोलने के आदेश के बाद शेखपुरा के बाजारों में काफी रौनक दिखाई दी,
दुकान खुलते ही शहर में जाम की समस्या हो गई, जिसके बाद एसटीओ ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलवाया। मुंगेर में सांसद राजीव रंजन सिंह के निर्देश पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने प्रखंड में सैनिटाइजेशन का काम करवाया। इस दौरान लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। सीतामढ़ी में आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कोरोना सहायता केंद्र में ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ किया। पार्टी की ओर से कोरोना बचाव किट का वितरण भी किया गया। हाजीपुर के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाने की कवायद शुरू। सिविल सर्जन और स्थानीय बीजेपी विधायक जमीन का के अन्वेषण, प्लांट लगाने के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए मिल सकेगी ऑक्सीजन। मुंगेर के गोविंदपुर गांव में श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान नाच का हुआ आयोजन। इस दौरान भीड़भाड़ भी काफी इकट्ठा हुई। थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का दिया निर्देश। 12वीं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट फॉर्मूले पर सीबीएसई का बयान, स्टूडेंट्स का मूल्यांकन किस आधार पर हो, इससे फ्रेमवर्क में लगेगा 2 हफ्ते का समय। अब तक 5 राज्यों में 12वीं की परीक्षा हुई रद्द। हरियाणा के बाद अब एमपी, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान में नहीं होंगे एग्जाम। परीक्षा के लिए नए पैटर्न को अपनाएगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया। करंट सेमेस्टर के लिए होगा ओपन बुक एग्जाम। सभी छात्रों के लिए 1 घंटे का मॉक एग्जाम भी जरूरी। 3 कुलपतियों की कमेटी ने योगी सरकार को सौंपी रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर के एग्जाम कराने की सिफारिश। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट करने का दिया सुझाव। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द। कोरोना के चलते उत्तराखंड बोर्ड का लिया फैसला, छात्र चाहे तो दे सकते हैं एग्जाम। मध्य प्रदेश में भी नहीं होगी 12वीं बोर्ड की परीक्षा। स्कूल शिक्षा विभाग के साथ बैठक के बाद सीएम का ऐलान। शिवराज बोले, खतरे में नहीं डाल सकते बच्चों की जिंदगी। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, 7 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हरियाणा के सभी पुलिस थानों का करेंगे घेराव। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार ने गलत कानून बनाया है, इसको वापस लो। साथ ही ये भी कहा कि सरकार साल 2024 जून जुलाई तक मान जाएगी। सीएम नीतीश कुमार का बिहार की बेटियों को बड़ा तोहफा। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने का किया ऐलान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जानकारी। संतोष मांझी ने एनडीए को छोड़ने की अटकलों को किया खारिज। कहा, ख्याली पुलाव पका रहे हैं लोग, जनहित में जुड़े मुद्दे पीएम और सीएम तक उठाते रहेंगे। जीतन राम मांझी। सीएम नीतीश कुमार को अवसरवादी सीएम बताने के टुन्ना पांडे के बयान पर भड़की जेडीयू। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर जाहिर की नाराजगी। संजय जायसवाल से भी संज्ञान लेने की अपील। झारखंड में पंचायत प्रतिनिधियों को दूसरे एक्सटेंशन देने का विचार। सरकार लेगी कानूनी सलाह। है जुलाई में खत्म हो रहा है कार्यकाल, दिसंबर तक चुनाव कराने पर ही विचार। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में योग गुरु रामदेव के खिलाफ परिवारवाद दर्ज। 7 जून को होगी सुनवाई। डॉक्टर्स पर टिप्पणी और टीकाकरण अभियान का मजाक उड़ाने का आरोप। बेगूसराय में गंगा नदी में पुल निर्माण कार्य में लगी क्रेन नदी में बह गई। तेज आंधी और बारिश के बाद हुआ हादसा। पुल निर्माण में कंपनी को लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान किया आशंका। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर के पास टला हादसा। मंदिर के बाहर करीब 300 साल पुराना बरगद का पेड़ तेज आंधी के दौरान गिर गया, बाल बाल बचे लोग। मुंगेर में भी कोरोना को बाढ़ को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और एसडीएम ने किया कटाव का निरीक्षण। इस दौरान डीएम ने काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। कांग्रेस के प्रदेश सचिव तनवीर आलम ने साहिबगंज जिले के बरहरवा क्षेत्र के अंतर्गत गुमानी नदी के ओवरफ्लो पानी से प्रभावित गांवों का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने जो भी नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति सरकार से दिलाए जाने की बात कही। बोकारो में पुलिस और दुकानदारों के बीच हुई झड़प। गाइडलाइंस के विपरीत खोली गई दुकानों को बंद कराने गई थी पुलिस। चास थाना क्षेत्र का मामला। रांची नगर निगम कार्यालय में अपर नगर आयुक्त राजेश कुमार के निधन पर शोक सभा का आयोजन, जिसमें नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। मोतिहारी में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। ग्रामीणों और शराब तस्करों ने किया पथराव। हमले में एक सिपाही और एक चौकीदार का भी लड़ाया। पटना में कार मालिक की रिकवरी एजेंट ने पिटाई की, इस कारण फ्लाईओवर पर लगी रही भीड़। पीड़ित का कहना है कि पूरी पेमेंट होने के बाद भी मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। चाईबासा दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से 3 मासूम आदिवासी बच्चियों की मौत। एक ही खानदान की थी तीनों बच्चियां। गांव में पसरा मामला। पाकुड़ में पुलिस ने 72 घंटे के अंदर किया दंपत्ति की हत्या का खुलासा। भतीजे समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमीन को लेकर वारदात को दिया गया अंजाम। हजारीबाग के लोह सिंघना थाना क्षेत्र की झील से युवक का शव बरामद। शव की पहचान कस्तूरी खाफ ग्राम के निखिल क्राम कुमार के रूप में हुई है। हत्या या कत्ल की जांच पुलिस कर रही है। रामगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सक्रिय अपहरणकर्ताओं के
15 सदस्यों के गिरोह में से 8 अपराधी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। फरार आरोपियों की तलाश जारी। गुमला में सरकार जंगल को बचाने और संरक्षण को लेकर लोगों को कर रही है जागरूक। वहीं अवैध रूप से माफिया कर रहे हैं पेड़ों की धरने से कटाई। बेहटा बिहार गिरी रक्षा वाहिनी कैंपस में लगे पावर ट्रांसफार्मर में लगी आग। हादसे की वजह से 8 ट्रेनिंग ले रहे जवानों मची हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बेगूसराय में एक बिजली की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग से हुआ लाखों का नुकसान। समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में मुखिया की पत्नी ने डिप्रेशन के चलते की आत्महत्या। मृतक महिला मुखिया पति की मौत से सदमे में थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। सारण जिले में पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात अपराधी समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। कट्टा पिस्तल कारतूस के बरामद। 10 साल की सजा काट रहे जेल के बाहर आया था कुख्यात अपराधी तरुण राय। गुमला स्वास्थ्य विभाग ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। सरकार और विभाग के वादा खिलाफी के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर किया काम। विक्रम में बीती रात चाकू मारकर एक शख्स की हत्या। मृतक की 2 शादियों की बात आई सामने। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बोकारो में मामूली विवाद में 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष। घटना में एक महिला की हुई मौत। गुस्साए लोगों ने जाम कर लड़ा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस ने शांत कराया मामला। छपरा जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में नशे में धुत 2 बाइक सवारों ने पुलिस से की बदसलूकी। पुलिस ने दोनों को लगे जमकर फटकार। घटना का वीडियो हुआ वायरल। बिहार पुलिस का गश्ती गाड़ी में धक्का मारते हुए वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने जवान से जताई नाराजगी। सरकार से की नई गाड़ी मुहैया कराने की मांग। किशनगंज में प्रेम प्रसंग में बाधा बनकर पत्नी ने पति को उतारा मौत की घाट। प्रेमी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवान एम्बुलेंस घोटाले के खिलाफ AISF के बैनर तले आक्रोशित छात्रों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। सदर अस्पताल के गेट पर किया प्रदर्शन और स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंका। भोजपुर में एसपी ने जिले के लिए चीता मोबाइल वैन का गठन किया। इसलिए इसमें चीता मोबाइल में 10 बाइक पर और 20 जवान पुलिस अधिकारी होंगे जो जिले के हर आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे। रांची में छात्र संगठन NSUI ने डोरंडा कॉलेज में यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर जड़ा ताला। वैकेशन कोर्स सेमेस्टर 2 के छात्रों ने ऑनलाइन फॉर्म भरने के खिलाफ और फीस माफी को लेकर मांग को लेकर किया प्रदर्शन। झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस अप्रेस कुमार और उनकी पत्नी वंदना ने अनाथ बच्चों के बीच कपड़े और मिठाई का किया वितरण। गुमला में 20 लाभुकों ने स्वयं सेवक के नेतृत्व में BDO से मिलकर PM आवास में हो रही समस्या से अवगत करवाया। लाभुकों का कहना है कि जो राशि दी जा रही है उसमें मकान बनाना संभव नहीं है। दिल्ली के मंडोली जेल में कटी हत्या के आरोपी सुशील कुमार की पहली रात। सागर मर्डर केस में सुशील को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों की कायराना हरकत। BJP नेता की गोली मारकर हत्या। एक महिला समेत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक हिंदू कारोबारी अशोक कुमार की गोली मारकर हत्या। ISI एजेंट शफीक मिंगल पर हत्या का आरोप। पाकिस्तान में हिंदू व्यापारियों की हत्या के बाद भड़का हिंदुओं का गुस्सा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक नहीं है सुरक्षित। पहले भी हो चुकी है हत्या। 5G टावर्स के खिलाफ अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। अभिनेत्री जूही चावला ने 5G ट्रायल के खिलाफ दायर की है याचिका। हिमाचल के चंबा में बादल फटा। मवेशी और गाड़ियां पानी में बहे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। JCB के मलबा हटाने की कोशिश जारी। अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार को जवाब देने का आज आखिरी दिन। जवाब नहीं देने पर हो सकती है कार्रवाई। अयोध्या में इस साल भी होगी भव्य रामलीला। 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का किया जाएगा मंचन। कई बड़े सिनेस्टार भी होंगे शामिल। नोएडा में फर्जी कॉल एक्सचेंज के जरिए विदेशी नागरिकों को ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश। गैंग के मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। टैक्स ऑडिट में गड़बड़ी के नाम पर करारा था। मध्य प्रदेश में 2 महीने में लगाए जाएंगे 3,000 लघु उद्योग। कोरोना के बाद से MSME नीति को सरल किया गया। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक का आज दूसरा दिन। 4 जून को दरों में बदलाव होने की उम्मीद कम। जस का तस रह सकता है रेपो रेट। 4th तिमाही में मल्टीप्लेक्स कंपनियों को घाटा। PVR को जनवरी मार्च के दौरान 289 करोड़ रुपए का घाटा। आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। कच्चा तेल $70 के पार पहुंचा। लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों से मई में पेट्रोल डीजल की बिक्री 17% गिरी। एक साल में सबसे कम।
जनवरी से मार्च के बीच बड़े मकानों की बिक्री बढ़ी। वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने बढ़ाई ज्यादा स्पेस की मांग। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री का बड़ा बयान, कहा 3 मैचों के फाइनल से विजेता चुना जाए। बीसीसीआई की विदेशी खिलाड़ियों को 2-2, आईपीएल 14 पूरा नहीं खेलने पर कटेगी सैलरी। आईसीसी ने जारी किया 2023 से 2031 तक का शेड्यूल, अगले 10 साल में होंगे 29 आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट, वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीम खेलेंगी। जापान की टेनिस स्टार ओसाका ने 12 महीने में 402 करोड़ रुपए कमाए, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी। ड्राइव पर निकले दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ, बांद्रा में मुंबई पुलिस ने रुकवाई गाड़ी, लाइसेंस और आधार कार्ड मांगा। विद्या बालन की फिल्म शेरनी का ट्रेलर रिलीज, पहली बार फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार निभा रही है विद्या। इसराइल की सत्या से नेतन्याहू का जाना लगभग तय, और नफ्ताली बेनेट हो सकते हैं इसराइल के नए प्रधानमंत्री। चीन के हेलोंग जियांग प्रांत में तूफान का कहर, सैकड़ों घर हुए तबाह, जहां तहां गिरे पेड़, लोगों को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन।